हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इंडिया। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कि सी प्रोग्रामिंग जो हमारा है उसमें कितने टाइप्स के लूप्स है। ठीक है, तो बेसिकली लूप्स क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई चीज़ है, अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है, लाइक हेलो वर्ल्ड, लेट्स से कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम हेलो वर्ल्ड अगर हमें दो बार प्रिंट कराना है तो हम सीधा टाइप कर देंगे, ठीक है, प्रिंट एफ एंड हेलो वर्ल्ड। बट अगर यही चीज हमें 100 बार प्रिंट करानी हो, यही चीज हमें 1000 बार प्रिंट करानी हो, तो हम क्या करेंगे? हर बार तो हम प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे नहीं, फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें लूप लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रहा है, लूप का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कहता है हाइपर लूप या फिर कोई लूप है इस लूप में चल रहा है, तो लूप का मतलब क्या है कि कोई चीज सेम चीज अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही है। ठीक है, कुछ चेंजेस होते होंगे लेकिन जो प्रोसेस है, जो रिपीटेशन है, वो सेम मेथड फॉलो कर रहा है, तो वो लूप कहते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो, समटाइम्स वी वॉन्ट अवर प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट फ्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग 1 to 100, ठीक है, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स etc। जैसे कि हमें पहला 100 इवन नंबर्स को प्रिंट कराने हैं तो हमें वहां पे लूप लगाना पड़ेगा। हम एक एक नंबर को प्रिंट नहीं करा सकते, बार बार हमें लॉजिक रिपीट करनी पड़ेगी, बार बार हमें प्रिंट एफ को रिपीट करना पड़ेगा, तो वो चीज बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा। ये चीज एक स्मार्ट कोडर्स की निशानी नहीं है। ठीक है, सो हेंस लूप्स मेक इट इजी फॉर अ प्रोग्रामर टू टेल कंप्यूटर दैट अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ठीक है, जो चीज बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि रिपीट कर रही है, ठीक है, तो लूप्स क्या करता है, ये एक प्रोग्रामर के लिए काफी इजी प्रोसेस कर देता है, जो कि कंप्यूटर को टेल, जो कंप्यूटर को कहता है कि भाई ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि बार बार एग्जीक्यूट होंगे और रिपीट होंगे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ लूप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर। ठीक है, सो मैंने पहले कह दिया कि आपको तीन लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स, ये हमारे लूप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है आता है, वो आता है हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइल लूप, व्हाइल लूप से हम क्या सीखते हैं? तो बेसिकली व्हाइल लूप जो है वो एक टाइप है लूप का। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स देखो, सबसे पहले तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख लो कि यहाँ पे एक व्हाइल स्टेटमेंट है और इसके अंदर कंडीशन है, और ये कंडीशन जो है ये ट्रू ही होनी चाहिए, ये फॉल्स कंडीशन नहीं हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन जो व्हाइल के अंदर ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोर्स लिखे होंगे यहाँ पे, कुछ कोर्स यहाँ पे होंगे, स्निपेट्स होंगे, कोड स्निपेट्स, तो वो चीज तभी चलेगा जब ये व्हाइल के अंदर का जो ये कंडीशन है ये जब ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सकते हो द ब्लॉक कीप्स एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ये ब्लॉक तभी रिपीट होता रहेगा, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन जो हमारा है वो ट्रू है, ये जो हमारा कंडीशन है व्हाइल के अंदर वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये लाइक एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम व्हाइल लूप देखेंगे, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने इनिशियलाइज किया है int i = 0, लेट्स से i = 0, और हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर हमारी i की वैल्यू 10 से लेस है, इक्वल्स टू नहीं है गाइस, यहां देख रहे ना, लेस है, वनली लेस है, देन हमें सिम प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? हमें i की वैल्यू को जस्ट प्रिंट कराते जाना है और उसके बाद हमें उसे इंक्रीमेंट कराते जाना है। तो लेट्स से मैं इसको आपको कॉपी पे लिख के दिखाता हूं कि कैसे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो व्हाइल के अंदर, पहले तो आप वो देख लो कि व्हाइल के अंदर आपका लिखा हुआ क्या है। ठीक है, सो ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियलाइज हमने कराया आई को 0 से। ओके, आई को मैंने इनिशियलाइज कराया 0 से, और हमने कंडीशन चेक की कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 10 है तो हमें क्या कराना है, प्रिंट आई को प्रिंट कराना है, देन हमने क्या कराया, आई को इंक्रीमेंट कराया, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, लेट्स से आई की वैल्यू हमने ले ली 0, तो सबसे पहले जो एक कंडीशन है क्या ये ट्रू है, ये चेक होगा। लेट्स से आई की वैल्यू 0 लिखा, तो ये 0 क्या 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। अगर ये छोटा है तो इस ब्लॉक, इस मतलब इस ब्लॉक्स में क्या लिखे हुए, ठीक है, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड क्या क्या है, तो ब्लॉक ऑफ कोड कहता है कि हमें प्रिंट कराना है वैल्यू किसकी, आई की, तो हम i की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो i की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे पहला जो प्रिंट आया, एक पहला प्रिंट 0 हो गया। देन जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो i प्लस प्लस सेकेंड लाइन में, तो i की वैल्यू ने इंक्रीमेंट करा दी। ठीक है, प्लस i प्लस प्लस, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंक्रीमेंट होता है, i प्लस प्लस की
आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट करा रहे हैं, वन से करा रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा है आई माइनस माइनस, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू कितने से डिक्रीमेंट करा रहे हैं, तो वो भी वन से डिक्रीमेंट करा रहे हैं। तो हमारी वैल्यू आई की क्या थी, जीरो थी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीमेंट हो गई है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसमें मैं नंबर दे रहा हूँ वही चीज प्रिंट होगी। यहाँ नंबर नहीं दिया मतलब ये प्रिंट नहीं हो रही है, ये हमने बस इंक्रीमेंट करा आई की वैल्यू। देन फिर से कंडीशन चेक होगा, अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। क्या वन टेन से छोटी है, हाँ छोटी है। तो हमें क्या करा देना, अगर वन हमारी टेन से छोटी है तो हमें प्रिंट करा देना, किसको, आई को प्रिंट कराना गाइस। तो हमने आई को फिर से प्रिंट कराया, तो सेकेंड स्टेप में हमारा फिर से आई प्रिंट हुआ। इस बार आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, एंड देन जैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है सेमी कॉलम के बाद, हमारा फिर से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी आई की वैल्यू कितनी थी, वन थी, अब इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। सिमिलरली अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। अब कंडीशन के अंदर क्या चेक होगा, क्या आई लेस देन टेन है, मतलब टू लेस देन टेन है, हाँ टेन है। सिमिलरली यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो गाइस आप क्या चीज देख रहे हो, एक कॉमन चीज ये है कि सेम चीज रिपीट हो रही है, प्रिंट सेम रिपीट हो रहा है। कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन टेन है। एक केस हम लेते हैं जब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी टेन। ठीक है, आई की वैल्यू टेन कब होगी, जब पहले आई की वैल्यू नाइन थी, ये प्रिंट होगी, आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो गई टेन, लेट्स से। ठीक है, अब जैसे ही हो गया तो हमारे कंडीशन के अंदर जो व्हाइल लूप के अंदर जो हमारा कंडीशन है वो होगा टेन लेस देन टेन। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इसके अंदर का जो ब्लॉक है ये हमारा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रेसेस है, इस स्टेप में यहाँ रुक जाएगा। तो हमारी वैल्यू जो लास्टली हमें प्रिंट होकर क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी कौन सी वैल्यू, जीरो से लेकर नाइन तक की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। वही चीज अगर आप लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश एन लगा देना। ठीक है, आपकी ये चीज जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब चलो मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस चलो हम अपने यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना है stdio.h वाली जो लाइब्रेरी है उसे कॉल कराना है। ठीक है, सो हैज इंक्लूड stdio.h। देन हमें करना है मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराना है। ठीक है, हमने मेन फंक्शन यहाँ पे कॉल करा दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न जीरो एक दे देंगे हम। ठीक है, अब हमें शुरू करना है। अब हम इन्हें स्लाइस के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल्स टू एन ले लेते हैं एक वैल्यू, और एक हम ले लेते हैं आई इज इक्वल्स टू जीरो, लेट्स से आई इज इक्वल्स टू जीरो ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू को सबसे पहले हमें एंटर कराना है। एंटर कराना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ, लेट्स से इंटर द वैल्यू। ओके, तो हमने वैल्यू इंटर करा ली, स्कैन एफ लगाएंगे, परसेंट डी। मुझे लगता है आपको बेसिक्स आनी चाहिए, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक्स आती होगी। ओके, सो हमने अपनी वैल्यू को तो एंटर करा ली है। अब हमारी वैल्यू क्या है, एन है। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे वाई लूप वाली। ठीक है, वाई लूप पहले लगाते हैं हम, एंड वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन हमारा हुआ, हमारा कंडीशन ये है कि अगर हमारी आई की वैल्यू लेस देन कितनी है, एन है। आप ले सकते हो एग्जांपल में, जैसे मैंने 10 लिया था तो एन की वैल्यू 10 है, तो वह तो वो चीज़ आप पे दे रहा हूँ। तो हमें क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ क्या कराना है हमें, द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी। ओके, एंड आई, ठीक है, सेमी कॉलम, सॉरी सेमी कॉलम, एंड देन हम क्या कर देते हैं, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देते थे। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर रखा है तो दोनों तरफ आपको प्रोग्राम दिख रहेगी, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम था, चलिए इसको रन कराते हैं। ओके, सो मैंने आप इसको रन कराया, सो यहाँ पे एंटर द वैल्यू मांग रहा है। इस चीज को मैं पहले यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ एंटर द वैल्यू कह रहा है, तो वैल्यू हम 10 ही देंगे जैसा कि हमने प्रॉब्लम लिया था। एंड आप चेक कर सकते हो गाइस, द वैल्यू ऑफ आई इज 0, द वैल्यू ऑफ आई इज 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 2 अप टू 9। मैंने पहले कहा था जैसी आई की वैल्यू 10 होगी, यहाँ देखना, वन मिनट, यहाँ देखो ये आई लेस देन क्या है,
एन है, ओके। तो जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 10 हुई और ये लेस देन हमारा किसके हुआ, एन की वैल्यू क्या लिया 10, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉल्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है गाइस। तो ये फॉल्स हुआ तो अंदर जो ये ब्लॉक ऑफ कोड्स है ये तो चलेंगे ही नहीं, जैसे नहीं चलेंगे ये मतलब ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट, या कह लो आप रिटर्न हो जाएगा, यहाँ रिटर्न हमने दे रखा है तो स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगा, मतलब आरी वैल्यू 0 से लेके 9 तक ही प्रिंट होगी, ओके। सो गाइस आज के वीडियो में मैं जस्ट व्हाइल लूप ही कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल एंड फॉर लूप दोनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।